कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ और आज निकली हूँ फिर से, तो सोचा एक ब्लॉग क्यों ना वापस बना लूँ। तो बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखाती हूँ। बरसात है वैसे तो आप लोगों को पता ही है, मगर मेरे अंदाज से आप नज़ारा देखेंगे क्योंकि मेरा अंदाज एक निराला अंदाज है, शिवालक अंदाज है। सो आते हैं, बाहर दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे कि देख रहे हैं मौसम मस्ताना, और रास्ता है अनजाना नहीं है, रास्ता ना जाना जाना सा है, और बरसात का रोमांस का मौसम है। और ये रोमांस में एक चाय की चुस्की लेते हुए शिवाला आपके सामने, सॉरी सॉरी चाय नहीं कॉफ़ी पी रही हूँ मैं। सो दिखाती हूँ, और कॉफ़ी नहीं कॉफ़ी तो वो कॉफ़ी विद अर्जुन नहीं वो बहुत बकवास है। सो मैं कॉफ़ी पी रही हूँ और ये मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर का नज़ारा। इतना खूबसूरत नज़ारा देखिए बरसात में, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और ये बरसात का महीना है, बस बरसात में जब आएगा सावन का महीना, और ये सावन का ही महीना है और श्रावण का भी महीना है। तो देखिए बाहर कितना अच्छा खूबसूरत मुंबई का दर्शन। और मुंबई मेरी जान, पावरा स्पेशल। सो अभी है ट्रैफिक है बाहर, थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, और अच्छा लग रहा है। बरसात भी हो रही है, धीमे 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 सी बरसात हो रही है, और हम भी धीमे धीमे से चल रहे हैं और चलते ही जाएंगे इस तरीके से। आप लोगों का साथ है तो और क्या चाहिए दोस्तों। और लॉकडाउन तो धीरे धीरे खुल रहा है, सबकी अभी बस यही इच्छा है कि सब ठीक हो जाए और अच्छे से दोबारा से ये मुंबई जो है फिर से वैसी ही बन जाए जो पहले थी। और ऑल ओवर इंडिया में भी यही है। और मैं सिग्नल में रुकी हुई हूँ, आप जैसे देख सकते हो। सो आते हैं नेक्स्ट सिग्नल, अभी जैसे ही ग्रीन होगा वैसे ही हम चल पड़ेंगे। सो थोड़ा सा टाइम है, हो गया यो। जो हमेशा मैं बात करती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ कि ये देखिए नज़ारा, वो देखिए नज़ारा, तो नज़ारा देखने के बाद आपको कैसे लगता है दोस्तों? अभी मैं आती हूँ और आगे दिखाती हूँ, ये थोड़ा सा कंजेस्टेड है एरिया। जैसे कि मैंने कहा थोड़ा कंजेस्टेड है, और कैसी लग रही हूँ मैं? वैसे ही लग रही हूँ जैसे लगती हूँ, आप लोग के आशीर्वाद है। सो अभी मैं थोड़ा सा काम के लिए निकली हूँ, काम कंप्लीट करके आप लोगों से मिलती हूँ दोस्तों, और कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करूँगी आज इस बरसात के मौसम में। देखते हैं आगे क्या क्या होता है, ठीक है? सो कॉफ़ी मैं लेके आई हूँ घर से, गरम गरम कॉफ़ी। मज़ा आता है बरसात के मौसम में, आप सो ये देखिए गरम धुआं निकलता हुआ कॉफ़ी, और मैं चुस्की लेने जा रही हूँ। ये देखिए चुस्की लेने के लिए खोलना पड़ेगा ना, मुँह खोलना पड़ेगा। आह मस्त लग रहा है, आती हूँ मैं। सो मिलते हैं। तो कॉफ़ी ख़त्म हो गया, अभी है कॉफ़ी थोड़ा सा, तो मैंने पी लिया है, बंद कर रही हूँ। और मैं कुछ पूछना चाहूँगी दोस्तों कि क्या हो रहा है, कि आने वाले टाइम पे किस तरीके से टाइम होगा जुलाई के बाद और अगस्त के बाद, और लोग किस तरीके से कैसे क्या शुरुआत करेंगे काम के लिए। तो मेरा यही पूछना था कि हमेशा तो अपनी बात मैं नहीं कर सकती हूँ, कभी कभी आप लोगों की बात मुझे ज़रूरी है करना, क्योंकि किसके लाइफ में कैसे बीत रहा है किसी को नहीं पता है, कोई शेयर भी नहीं करता है आज की डेट में। और बरसात इस बार तो हो रही है, बहुत तेज हो रही है, और आने वाले टाइम पे भी शायद होगा। तो मेरा ख्याल यही है कि कुछ भी करने से पहले आपको सोचना चाहिए लाइफ के बारे में, और लाइफ कैसा है, भगवान का दान दिया हुआ है,
और भगवान का वरदान है, तो मायूस होने से बेटर है कि कुछ रास्ता निकालें, सॉल्यूशन निकालें, जो हम निकाल सकते हैं ज़रूर निकाल सकते हैं, और आने वाले टाइम पे भगवान सबके लिए अच्छा करें, खुश रखें। और गणपति बप्पा बहुत जल्दी आ रहे हैं रक्षाबंधन के बाद, तो गणपति से मैं प्रार्थना करूँगी कि गणपति जी सबको खुशी दें और उनके मनोकामना पूर्ण करें, साथ साथ मेरे मनोकामना भी पूर्ण करें। और आने वाले टाइम पे देखते हैं, और सोच रही थी मेरा भाई गाना है गणपति जी के ऊपर, तो वो गाना मैं दोबारा मैं लॉन्च करूँगी फेसबुक पे और इंस्टा पे, और यूट्यूब पे ऑलरेडी है मेरा गाना श्री गणेशा देवा फीमेल वर्जन शिवाला का, तो वो गाना बहुत अच्छा गाया है मैंने और अप्रिशिएशन भी काफ़ी अच्छा हुआ है। सो आप लोग बताइए, बरसात हो रही है बाहर, तो मैं थोड़ा सा अभी बाहर निकलूँगी, जाऊँगी, कुछ काम है वो कंप्लीट करके आती हूँ, और आने के बाद आपसे मिलती हूँ। चलो बाय बाय बाय, सी यू, मिलती हूँ मैं आपको, तब तक देखते रहिए।